हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल मंत्रा। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी के बारे में। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं सिंगुलरिटी क्या होती है, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है, पीछे का वीडियो, तो जरूर देख लें, जिसमें मैंने डिस्कस किया है सिंगुलरिटी क्या होती है और आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी के बारे में कि जो हमारी टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी है वो यहाँ हमारी तीन टाइप की है। एक होती है रिमूवेबल सिंगुलरिटी, एक होता है एसेंशियल सिंगुलरिटी और थर्ड हमारा होता है पोल। तो हम बात करेंगे कि कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा रिमूवेबल सिंगुलरिटी कौन है और एसेंशियल सिंगुलरिटी कौन है और हमारा पोल कौन होता है। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि हमारी दो सीरीज होती हैं, एक टेलर सीरीज होती है, एक हमारा लर्न सीरीज होती है। तो टेलर सीरीज हमारा कब यूज होता है, कोई भी हमारा ये जब डिस्क स्ट्रक्चर है, इस पॉइंट के लिए हमें एनालिटिक फाइंड करना है तो हम कोई डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर है तो हम फाइंड करते थे टेलर सीरीज का। यहां यूज करेंगे लॉरेंट सीरीज का। लॉरेंट सीरीज का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा ये फॉर्म है ये क्या है, एक एनालॉग फॉर्म में। कहने का मतलब जैसे भी कोई भी हमारा फंक्शन है, इस पॉइंट पे हमें क्या करना रहता है, एनालिटिक हमारा नहीं है और इसके भी जितने भी नेबरहुड पॉइंट है इस फंक्शन का वो क्या है, एनालिटिक है, इसलिए एक एनालॉग फॉर्म में है, इसलिए हम इसका यूज करेंगे लॉरेंट सीरीज का। तो हमारा ये जो पोर्शन है ये हमारा कहलाता है प्रिंसिपल पार्ट। ये क्या है, हमारा है प्रिंसिपल पार्ट है। इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे कि हमारी जो सीरीज है, जो हमारा फंक्शन है, वह रिमूवेबल सिंगुलरिटी कब होगा, एसेंशियल कब होगा और पोल कब होगा। तो कैसे, तीन कंडीशन होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं रिमूवेबल सिंगुलरिटी की, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा bn है वो हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आप सुनते रहिए, मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको डिटेल समझ में आएगा कि ये फंक्शन कैसे मैं बात कर रहा हूं। ये bn अगर हमारा जीरो होगा तो नो टर्म इन, कोई टर्म हमें क्या करेगा, फाइंड नहीं। bn होगा तो हमारा टर्म कोई फाइंड नहीं होगा, इसलिए हमारा जो सिंगुलरिटी होगी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। जब हमारा सिंगुलरिटी रिमूव हो जाएगा तो वो हमारा कहलाएगा रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अब हम बात करते हैं एसेंशियल सिंगुलरिटी। एसेंशियल सिंगुलरिटी में हमारा क्या होता है कि जो हमारी सीरीज चलती है, जो हमारा जेड माइनस ए का फंक्शन है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। कहने का मतलब जो हमारा फंक्शन है वो इनफाइनाइट नंबर फाइंड करता है। ये हमारा जो फंक्शन है, अगर हमें सॉल्व करने पर इस प्रिंसिपल पार्ट को इनफाइनाइट मिलता है, नंबर मिलते हैं, तो हमारी जो सीरीज होगी वो हमारी होगी एसेंशियल सिंगुलरिटी की। अगर फाइनाइट नंबर हमें फाइंड होते हैं, तो हमारी जो सीरीज है वह हमारी कहलाएगी पोल। वो हमारे कितने पोल एग्जिट करते हैं वो डिपेंड करता है। अब मैं डिटेल से एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करता हूं। सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लिया, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू हमारा दिया हुआ है साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए। ये हमारा रिमूवेबल सिंगुलरिटी है एट जेड इक्वल टू ए। क्यों है, आइए सॉल्व करके देखते हैं। मैंने मान लिया अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, जेड माइनस ए। अगर साइन, ये हमारा साइन, अगर हम इसे एक्स मान लें तो इसको हम एक्सपेंड करें तो हमारा क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव, फाइव फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। मैंने इसको एक्सपेंड किया तो क्या होगा, जेड माइनस ए माइनस जेड माइनस ए क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस जेड माइनस ए की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल माइनस, ये साइन चलता जाएगा। अगर मैं इसका मल्टीपल करूं तो कितना जाएगा, ये वन आ जाएगा, माइनस जेड माइनस ए की स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री फैक्टोरियल प्लस जेड माइनस ए की पावर फोर अपॉन फाइव फैक्टोरियल। अगर हम देखें इस सीरीज में, इस पूरे फंक्शन में जो हमारा जेड माइनस ए है, यानी जेड की कोई भी पावर हमें, जेड माइनस ए की कोई भी हमें पावर निगेटिव नहीं मिल रही है। अगर जब निगेटिव नहीं मिल रही है तो हमारा जो फंक्शन था वो सिंगुलरिटी को क्या कर चुका है, रिमूव कर चुका है। अगर इस सिंगुलरिटी हमारी रिमूव हो गई है, इसलिए जो हमारा फंक्शन कहलाएगा साइन जेड माइनस ए, सॉरी साइन जेड माइनस ए, जेड माइनस ए इक्वल टू वन एट जेड इक्वल टू ए, दिस इज कॉल्ड द सिंगुलरिटी। क्योंकि सिंगुलरिटी फंक्शन हमारा हो गया और ये कौन सा है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। क्योंकि जो हमारी सिंगुलरिटी है
कोई भी निगेटिव पावर नहीं हुई, ये हमारा फंक्शन क्या हुआ, रिवर्स सिंगुलरिटी हो गया, इसमें सिंगुलरिटी क्या हो गई, रिमूव हो गई। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं इसेंशियल सिंगुलरिटी का। इसेंशियल सिंगुलरिटी का मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सपोज दैट मैं एग्जाम्पल एक लेता हूं एफ जेड, हमारा जो फंक्शन दिया है साइन 1/z - a। मैंने इसेंशियल सिंगुलरिटी के लिए क्या बताया, जो हमारा इनफाइनाइट नंबर फाइंड होगा। कहने का मतलब जो हमारा ये पावर है z - a की पावर माइनस n है, ये वे इनफाइनाइट नंबर हमें क्या हो जाएगा फाइंड होंगे। कैसे देखते हैं एक्सपेंड करके इस सीरीज को। मैंने अगर साइन की अभी जैसे कि मैंने बताया फॉर्मूला क्या है, साइन को एक्सपेंड करेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/x, मैंने पूरे टर्म को मान लिया तो क्या होगा z - a माइनस 3 फैक्टोरियल z - a का क्यूब हो जाएगा प्लस 1/5 फैक्टोरियल z - a की पावर 5। अगर देखें इस टर्म में इनफाइनाइट नंबर हमें फाइंड होते हैं और हर एक पावर में, अगर इसमें ऊपर करें तो निगेटिव पावर हमें फाइंड होगी z - a का, इसलिए जो हमारा ये फंक्शन कहलाएगा वह कहलाएगा इसेंशियल सिंगुलरिटी का। मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं पोल की। मैंने एग्जांपल लिया जो मेरा फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू साइन z - a / z - a की पावर 4। ये हमें फाइंड करना है जेड इक्वल टू ए पे हमारा क्या है, ये पोल है या नहीं, तो को फाइंड करते हैं। इसे अगर मैंने सॉल्व करूं जैसे कि मैंने बताया, तो मैंने ले लिया z - a की 4, क्या किया कॉमन किया, साइन एक्स का फॉर्मूला लगाया तो क्या हो जाएगा z - a माइनस z - a का ये 4 है क्यूब हो जाएगा, क्योंकि पूरा मैंने फंक्शन एग्जिट कर लिया, ये हो गया 3 फैक्टोरियल प्लस z - a की पावर 5, 5 फैक्टोरियल डेड। ओके, इस टर्म को मैंने इसके अंदर क्या किया मल्टीपल किया, तो ये z - a कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा z - a की पावर क्यूब 3 हो जाएगा, ये हो गया 3 फैक्टोरियल z - a प्लस 5 फैक्टोरियल एंड z - a। अब ये अगर हम 7 एक टर्म और देखें तो 7 z - a का क्यूब। अगर इस फंक्शन को हम देखें तो z - a निगेटिव पावर हमें दो टर्म मिल रही है, आगे हमारी जो z - a की पावर है वो हमें क्या कंटिन्यू क्या होगी पॉजिटिव ही फाइंड होगी। तो कहने का मतलब जो हमारा पोल है वो हमारा क्या बताया था मैंने, इनफाइनाइट नंबर होता है। इनफाइनाइट नंबर का मतलब, या जो हमारी जेड की पावर माइनस ए की सीरीज है, यहाँ जेड माइनस ए की पावर की जो हमारी टर्म का निगेटिव टर्म हमारा सिर्फ क्या है दो ऑर्डर पर मिल रहा है, इसलिए जो हमारा जो पोल होगा या हमारी जो सीरीज होगी या कहलाएगी पोल, ये हमें फाइंड हो गए पोल। अब मैं 2-3 एग्जाम्पल से आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।